मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने बेड पर लेटी हुई होती है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो चलने की कोशिश करती है, और जब वो खुद को मिरर में देखती है तो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी और चेहरे पर हर जगह सर्जरी के कट्स होते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है और किसने किया होगा। दरअसल एक साइको डॉक्टर ने उस लड़की पर एक्सपेरिमेंट किया होता है, और उस एक्सपेरिमेंट में 3 लड़कियां शामिल होती है जिनके बॉडी पार्ट्स को साथ में जोड़ दिया गया होता है, और तो और उन लड़कियों का दिमाग भी एक में ही जुड़ा होता है। हालांकि देखने में वो सब एक ही इंसान लग रही होती हैं, लेकिन उनका दिमाग अलग अलग होता है और वो लोग अपना नाम वी रखते हैं। अब वो लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रही होती है क्योंकि उनकी माइंड अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बॉडी को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी ना चल पाने की वजह से वी वापस जाकर लेट जाती है। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं जो उसे चेक करने लगते हैं, जिससे वो डर कर वहाँ से भागने लगती और किसी तरह एग्जिट डोर तक पहुंच जाती है। इसी बीच स्टाफ मेंबर वी को जाते हुए देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वी उसे मारकर किसी तरह वहां से बाहर आ जाती है और भागते हुए जेनिफर के घर आ जाती है, जहां पर वो आराम करने लगती है। अब वी के दिमाग में वो तीनों लड़कियां बात करने लगती है कि उन्हें अब इस मैटर को किस तरह सॉल्व करना चाहिए, उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए या किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन वी को कोई नहीं जानता और ना ही कोई उनकी बातों पर यकीन करेगा, जिसकी वजह से वो लोग पुलिस को भी कुछ नहीं बता सकते थे। अब वी को अपने हाथ में एक उंगली अलग दिखती है जो किसी आदमी की होती है, और जब वो उसे टच करती है तो वो फिंगर नीचे गिर जाती है, इसीलिए वो किसी तरह उस फिंगर को अपने हाथों के साथ वापस जोड़ती है। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ महसूस नहीं होती है, जिससे उन्हें ये लगता है कि शायद एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्हें कुछ फील नहीं हुआ। इसीलिए वो तीनों एक दूसरे को हर एक तरीके से पेन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी इसका कोई फर्क नहीं आता, यानी कि उन्हें पेन महसूस नहीं होता है। और वो लोग अब ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस वक्त को याद करेंगे जब उन्हें किडनैप किया गया था, जिसमें से जेनिफर कहती है कि जब वो अपने घर पर थी तो पीछे से किसी ने आकर उसे बेहोश कर दिया और उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ एली बताती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय करके अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी किसी कार ने उसे हिट कर दिया, और उसके बाद जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि वो ऐसी हालत में है। तभी एली कहती है कि उन्हें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जेनिफर उसे बताती है कि उसका एक फ्रेंड जो फिलहाल मेडिकल की स्टडी कर रहा होता है, तो शायद वो हमारी किसी तरह की हेल्प कर सके। वो तीनों लड़कियां तैयार होती हैं, यानी कि असल में वो वी को तैयार करती हैं और जेनिफर के फ्रेंड के पास जाती हैं, जहां पर वो उसे बताती हैं कि उन पर किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया है। लेकिन जेनिफर के फ्रेंड को ये सब मजाक लगता है और वो उस बात पर यकीन नहीं करता है, जिस पर वी दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वी तैयार होकर उस आदमी को ढूंढने जाती है जिसकी वजह से उन तीनों का ये हाल हुआ था। मगर पूरे दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है, और जब शाम में वो अपने घर आती है तो उन्हें कार में 2 आदमी दिखते हैं जो कि उन्हें हॉस्पिटल में चेक करने आए थे। वो वहाँ पर जेनिफर का घर देख रहे होते कि तभी वी वहाँ पर आ जाती है, और इतने शदीद गुस्से में वी उनमें से एक को तो जान से ही मार देती है। तो उनमें से दूसरा आदमी उन्हें बताता है कि हम लोग नहीं हैं जिसने तुम्हारी सर्जरी की, लेकिन असल में वो आदमी वी का ध्यान भटकाकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है और इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस के सायरन बजता है, इसीलिए वी भी वहाँ से भागने लगती है, और भागते वक्त वी उन 2 आदमियों के कार में से एक फाइल ले लेती है, और अगले दिन वो फाइल को लेकर जेनिफर के फ्रेंड के पास जाती है, जहाँ पर जेनिफर का फ्रेंड वी की फर्स्ट एड करता है, और उस फाइल को देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी वी टीवी में न्यूज देखती है कि जिस आदमी को कल रात ने मर्डर किया है, पुलिस उस किलर को ढूंढ रही है। तभी उसे कुछ जलने की स्मेल आती है, और जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि जेनिफर का फ्रेंड उस फाइल को जला रहा होता है। वी किसी तरह उस फाइल को छीन लेती है और आग को बुझा देती है। तब जेनिफर का फ्रेंड उसे कहता है कि अब वो पहले जैसी नहीं हो सकती है, और इसीलिए इस फाइल को भी रखने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि वी उस पर बहुत गुस्सा होती है, और तो और वो उसे बांध देती है और खुद वो फाइल में देखने लगती है, जहाँ उसे एक एड्रेस मिलता है। तो वो लोग वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं। अब वी उस जगह पर पहुँच जाती है, और सबसे पहले वो वहाँ के डॉक्टर को बहुत ब्रूटल तरीके से काट कर मार देती है, और वो एक रूम के अंदर जाती है जहाँ पर उसे सर्जन दिखाई देता है, जिसका नाम मैक्स होता है, जो वी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वी उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला करती है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है, और अभी भी उसे खौफ नहीं होता। वो वी को देखकर काफी खुश हो रहा होता है, क्योंकि वी उसका एक्सपेरिमेंट थी
थी और उसका एक्सपेरिमेंट उसके सामने कामयाब रहा, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। तभी मैक्स वी से कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, जबकि मैंने तुम्हें तुम्हारे ही कहने पर ऐसा बनाया। तभी वी फिर से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन इस बार उनके दिमाग में मेडलिन उन्हें रोक देती है और कहती है कि हम इस डॉक्टर को नहीं मार सकते क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। ये बात सुनकर जेनिफर और एली दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैडलिन उन्हें बताती है कि मैं ही सबसे पहले मैक्स के पास आई थी, दरअसल मैं खूबसूरत नहीं थी और मैं इसी वजह से अपनी सर्जरी कराना चाहती थी। तब मैक्स उसे एक बॉडी दिखाता है, लेकिन मैडलिन को वो पसंद नहीं आई क्योंकि वो लेडी एज में काफी ज्यादा थी। तो मैडलिन मैक्स से कहती है कि वो बॉडी का इंतजाम खुद ही करेगी और मैक्स को उसकी सर्जरी करनी होगी। उसके बाद मैडलिन ने एली को एक बार में देखा था और उसकी ब्यूटी से वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से उसी ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया होता। इसी तरह उसने जेनिफर को भी उसके घर से किडनैप किया था और उसके बाद वो दोनों की बॉडी को मैक्स के पास लेकर जाती है और मैक्स उन तीनों को मिलाकर एक नई लड़की बना देता है और वो लड़की वी होती है। ये बात सुनकर जेनिफर और एली मैडलिन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने खुद के लिए उन दोनों का यूज किया और उन्हें मार दिया, और इसी बीच वो तीनों मिलकर वी के माइंड में लड़ाई करने लगती है। यहाँ पर मैडलिन जेनिफर की आंख ही फोड़ देती है, जिससे वी की भी एक आंख फूट जाती है। अब मैक्स वी को बांध देता है और उसे काट कर एक नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचता है। दूसरी तरफ जेनिफर का फ्रेंड किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग कर हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पर मैक्स उसे भी मार कर बेहोश कर देता है क्योंकि वो जेनिफर के फ्रेंड को भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल करना चाहता था। मगर वी अपने आप को किसी तरह आजाद करके पूरी जगह पर तोड़फोड़ शुरू कर देती है, जिसे देखकर मैक्स काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो शूट कर देता है, लेकिन वो गोली जेनिफर के फ्रेंड को लग जाती है और उस गन में सिर्फ एक ही गोली थी जो कि जेनिफर के फ्रेंड को लग चुकी थी। और अब वी एक ड्रिल लेकर मैक्स के पास बढ़ती है, लेकिन वी के माइंड में वो तीनों अभी भी झगड़ा कर रही होती है, जहाँ पर मैडलिन उन दोनों को डॉक्टर को मारने से रोकती है। इसीलिए एली को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस ड्रिल को उसी के मुंह में चला देती है, जिससे होता ये है कि वी के मुंह में भी ड्रिल आता है। ये सब देखकर मैक्स को लगता है कि शायद वी इसी तरह से मारी जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और मैडलिन के मरने के बाद एली और जेनिफर जिंदा होती है। स्टोरी कुछ दिन आगे पर बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि बिल्कुल वी की तरह चल रहा होता है, और जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तब हमें समझ आता है कि वो आदमी मैक्स और जेनिफर के फ्रेंड को मिलाकर बनाया गया, वो किसी और ने नहीं बल्कि वी ने किया होता है। तभी उनके पास वी आती है जो उसे देखकर हंस रही होती है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।